नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे अररिया पर्यटन स्थल के बारे में। बिहारी शब्द दूर दूर तक फैला है और बिहारी होने के नाते हमें बिहार के हर रंग की पहचान होनी चाहिए। इसी कड़ी में हम बिहार के जिलों के बारे में जानने के क्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जिस जिले में रहते हैं वहाँ की समृद्धि और अद्भुत इतिहास से अनभिज्ञ रहते हैं। आज हम बात करेंगे अररिया जिले की। 14 जनवरी 1990 के पूर्व आज का अररिया पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। कंचनजंगा हिमालय की महान चोटियों में से एक है, जिसे देखने लोग वहां तक जाते थे। यहां के निवासी हर दिन उस सौंदर्य को निहारते हैं। यहां की बोली कहीं ना कहीं कानों में गूंजती रहती है। ये बोलियां हैं कुल्हाई, शेखरा, ठेठी और बंगाली सुरजापुरी। हिंदी एवं उर्दू तो औपचारिक भाषा ही ठहरी। अगर बात अररिया में पर्यटन की करें तो ऐसे कई पर्यटन स्थल हैं जहां आप जाकर वहां की खूबसूरती को देख सकते हैं, सांस्कृतिक पहचान के महत्व को जान सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको अगर अररिया की सैर करनी है तो आपको किन पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। रानीगंज वृक्ष वाटिका। रानीगंज वृक्ष वाटिका को स्थानीय लोग हसनपुर बालू धीमा के नाम से जानते हैं। यह बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित भूमि है, जो 289 एकड़ में विस्तृत है और प्राकृतिक वन क्षेत्र के रूप में विस्तृत है। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए ये रमणीय और रोमांचक जगह है। शोधार्थियों के लिए भी अध्ययन स्थल के रूप में निर्मित है। ये अररिया जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर पश्चिम में और पटना से 310 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक फारबिसगंज 4 लेन NH57 के दक्षिण कुर्सेला जाने वाले SH77 के पूरब किनारे 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अन्य शहरों से नियमित बसें चलती हैं, जो अररिया के 0 माइल बस अड्डा तक आता है और इस बस अड्डा से रानीगंज वृक्ष वाटिका लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा है बायोडायवर्सिटी पार्क। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया में कुसियार गांव में स्थित है। इस जिले का यह पहला पार्क है, जिसमें विविध प्रकार के सैकड़ों वनस्पति की प्रजाति मौजूद है। 165 एकड़ में फैला यह पार्क बड़ा ही खूबसूरत है और इसने यहां की पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया है और ये जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तीसरा है सुंदरनाथ सुंदरी मठ। अररिया की विरासत यहाँ की संस्कृति और इतिहास की गाथा को समेटे है। करसाकाटा प्रखंड अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ सुंदरी मठ पर्यटक स्थल के तौर पर उभर रहा है और इसके सौंदर्यकरण पर काम चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों और उनकी माता कुंती ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी खोज खेत जोतने के दौरान हुई थी। अगला है मदनपुर शिव मंदिर का निर्माण 1739 में पूर्णिया के नवाब के आदेश पर उनके रानीगंज प्रखंड के बसैटी में पूर्णिया राज की महारानी इंद्रावती द्वारा यह पंच रत्नाकार शैली में निर्मित मंदिर है। रेप्लिका स्तूप। रेप्लिका स्तूप यह अररिया जिले मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मणिकपुर के पास स्थित है, जो फारबिसगंज की ओर जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद है जिनका भ्रमण किया जा सकता है, जैसे 6 मंजिला काली मंदिर, गिद्वास में माता आसावार मंदिर, अररिया के प्राचीन ठाकुरबाड़ी में शहर के केंद्र में स्थित भगवान शिव का मंदिर, मुस्लिम के लिए जामा मस्जिद है और क्यूबा मस्जिद शहर के प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। अगर हम यहाँ मनाए जाने वाले महोत्सव की बात करें तो इसमें दोस्ती मेला का जिक्र जरूर किया जाता है। रानीगंज में प्रसिद्ध दोस्ती मेला कारी कोसी नदी के किनारे मनाया जाता है। चूंकि इस मेले में सस्ते दामों में लकड़ी के सामान मिलते हैं, इसीलिए सभी को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है और लोग भारी संख्या में यहां आते हैं। दरअसल दोस्ती मेला इस मेले का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में लोग पूसी पूर्णिमा के दिन कारी कोसी नदी किनारे डुबकी लगाकर दोस्ती निभाने की कस्में खाते थे। आश्रम मोहल्ला के रामकृष्ण सेवा आश्रम में मनाया जाने वाला दुर्गा पूजा भी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि यह बंगाल के तौर तरीके से मनाया जाता है। इस आश्रम में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस अक्सर रुकते थे। साथ ही अररिया के चित्रगुप्त नगर और ओम नगर में गणेश चतुर्थी महोत्सव भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम अररिया जिले के व्यंजनों की बात करें तो इसमें कुछ खास व्यंजन है जो लोगों को काफी लोकप्रिय है। ठंड के मौसम में बनाया जाने वाला भक्का यहाँ का लजीज व्यंजन है। आपको बता दें कि भक्का को ही दक्षिण भारत में इडली के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर ध्यान दिया जाए तो और भी ऐसे स्थल अररिया में हैं जिन्हें पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। अगले पोस्ट में हम आपको बिहार के दूसरे जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में जरूर बताएंगे। अगर आप इस जिले में रहते हैं या आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया हो तो आपके अनुसार सबसे मशहूर चीज यहाँ की कौन सी है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।